आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीधर अभी अपने बनारस आ चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हो मैं अपने बनारस से ही हूँ, तो अब से मैं अपने चैनल पर अपने बनारस की ब्लॉग सीरीज शुरू कर रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको अपना बनारस दिखाने के लिए। और इन्हीं गलियों में और इन्हीं सीढ़ियों पर हम लोग अपना बचपन पूरा बिताए हैं। तो अभी आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये माँ गंगा है और ये अभी हम लोग ब्रह्मा घाट की सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और आज के ब्लॉग हम लोग काशी धाम, हमारे बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध ये म्यूज़ियम है जिसके अंदर हम लोग बनारस के बारे में जानेंगे, अपने भारत के बारे में जानेंगे। तो ये म्यूज़ियम के अंदर हम लोग चलेंगे और इस म्यूज़ियम में हम ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। मैंने परमिशन ले लिया है एंड देन हम लोग अभी इस सीढ़ियों से, गंगा की सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, इस घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और आपको काशी धाम पूरा दिखाएंगे। तो आज की ब्लॉग बहुत ही एक्साइटेड एंड बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। जैसा कि आप अगर नहीं जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू रिलीजन्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप अभी इस म्यूज़ियम में अगर आएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बनारस आते हैं तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा। बहुत ही सुंदर ये म्यूज़ियम है। मैं एक बार यहाँ पर आया था लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, आज मैं यहाँ पर आया हूँ और एंड आपको ब्लॉग बना के आज मैं पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको पूरा ये म्यूज़ियम दिखाने वाला हूँ अपने इस ब्लॉग से। मैंने तो ये म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं अपने इस ब्लॉग से आपको ये पूरा म्यूज़ियम दिखाने वाला हूँ। तो अभी गंगा माँ का आशीर्वाद लेके हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये माँ गंगा हमारे बनारस, हमारे माँ गंगा के तट पर बसा है और हम बनारसी अपने बनारस से माँ गंगा से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद, महादेव जी का नाम लेने के बाद, हर हर महादेव का नारा लगाकर हम अपने इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को मेरे तरफ से हर हर महादेव। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। काशी धाम हमारे बनारस के सभी म्यूज़ियम और जितने भी म्यूज़ियम हैं उन सब में से बहुत ही अच्छा ये म्यूज़ियम है। और अभी हम लोग इस म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं काशी धाम के अंदर, और आपको इस म्यूज़ियम के अंदर अपने बनारस से रिलेटेड एंड अपने हिंदुस्तान से रिलेटेड और अपने इंडिया से रिलेटेड जितने भी प्राचीनतम यहाँ पर जितनी भी हिस्ट्री है उन सबको बताया गया है। तो अभी हम लोग काशी धाम जाने के लिए हम लोग घाट की सीढ़ियों से ऊपर पहुँच गए और यहाँ पर महादेव जी का दर्शन करिए। काशी का कण कण शिव है और यहाँ से देखिए गंगा जी का कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। तो जय गंगा मैया। तो हम लोग अपने बनारस के ब्रह्मा घाट की सीढ़ियों से ऊपर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काशी धाम हमको इधर जाना होगा, तो अभी हम लोग काशी धाम चलते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं तरफ। तो ये काशी धाम, तो अब हम लोग काशी धाम की तरफ चल रहे हैं और ये है प्रवेश द्वार। हम लोग काशी धाम के प्रवेश द्वार में आ चुके हैं और ये काशी धाम का प्रवेश द्वार है। तो हम लोग अभी अंदर की तरफ चल रहे हैं और सबसे पहले हम लोग महादेव जी का दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, जय लालेश्वर भगवान की जय हो। तो महादेव जी का दर्शन करने के बाद हम लोग फिर काशी धाम का दर्शन करेंगे। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। ये नंदी महाराज बैठे हैं यहाँ पर और ये हैं लालेश्वर भगवान। लालेश्वर महादेव जी का दर्शन करने के बाद हमें बताया गया कि ये मंदिर 400 साल पुराना है और ये सब जो आप पिलर देख रहे हैं ये मंदिर का, ये पूरा 400 साल पुराना है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया गया है कि हाँ कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक न्यू लुक दिया गया है रिनोवेट करके और इसके अंदर हमारे सभी भगवान लोग को, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान महादेव जी के, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। 400 साल पुराना ये पूरा मंदिर है, तो बहुत ही अच्छा इस मंदिर को बना दिया गया है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे भगवान महादेव जी का डमरू आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर लालेश्वर भगवान महादेव जी का ये मंदिर है। और अभी हम लोग चल रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। तो सब प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो सोमनाथ जी का आप दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। और द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन है, तो मल्लिका अर्जुन भगवान महादेव जी का दर्शन करिए आप। हर हर महादेव। और अभी हम लोग तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में हैं और ये महाकालेश्वर भगवान जी का आप दर्शन कर लीजिए। ये महाकालेश्वर भगवान है, तो हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर। और ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर भगवान जी का, महादेव जी का दर्शन करिए। और अभी हम लोग आगे की तरफ, ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और ये केदारनाथ भगवान जी का आप दर्शन करिए। हर हर महादेव, जय केदारेश्वर भगवान की जय हो। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। हर हर महादेव, जय भगवान घृणेश्वर। और ये है रामेश्वरम भगवान का ज्योतिर्लिंग, तो जैसा कि आप दर्शन करिए, हर हर महादेव, जय रामेश्वरम। और ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो नागेश्वर भगवान का आप दर्शन करिए।
और ये है बैद्यनाथ भगवान, तो बैद्यनाथ भगवान का दर्शन करिए। और ये है त्र्यंबकेश्वर भगवान, और ये है काशी विश्वनाथ जी का, आप दर्शन करिए। जय काशी विश्वनाथ। और हमारे बनारस में ये काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है। और ये लास्ट ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। काशीधाम में देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद हम लोग चल रहे हैं काशीधाम के म्यूजियम की तरफ, और आपको पूरा म्यूजियम दिखाते हैं। काशीधाम जाने के लिए हमने यहाँ पर अपना टिकट लिया है, और टिकट लेने के बाद हम काशीधाम जाएंगे। अभी मैं काशीधाम के भारत क्षेत्र म्यूजियम में हूँ, जहाँ पर मैं अपने भारत के प्राचीन भारत का मानचित्र देख रहा हूँ, और त्रिनाथ भी गया हूँ। तो जितने भी हैं प्राचीन, जितने भी भारत का मानचित्र है, तो आपको मैंने दिखाया। अब मैं भारत के मानचित्र के इधर साइड में हूँ, तो यहाँ पर पूरा बताया गया है अपने भारत के बारे में। देखिए तुलसी को पूजा, ये रावण है, देखिए राम जी रावण का वध कर रहे हैं, और ये देखिए रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, जितने फेस्टिवल हैं उन सब के बारे में बताया गया है। ये देखिए छठ पूजा है। भारत क्षेत्र देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं खगोल क्षेत्र की तरफ। काशीधाम के खगोल क्षेत्र में हम लोग आ गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, खगोल क्षेत्र में आपको ये बताया जा रहा है बुध शुक्र जितने भी ग्रह हैं उन सब की कैसे कैसे वो चलते हैं, एंड क्या क्या प्रभाव करते हैं धरती पे, तो उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे शंख है, भगवान का ये चक्र है, सुदर्शन चक्र है, त्रिशूल है, और ये देखिए बता रहे हैं परशुराम जी का कटारा है, और ये धनुष है, ये देखिए ये देखिए गदा है हनुमान जी का, ये खगोल क्षेत्र है पूरा। और अभी हम लोग इधर की तरफ चल रहे हैं, ये 10 अवतार है भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के 10 अवतार का दर्शन कर सकते हैं, वामन अवतार, राम जी, कृष्ण जी, और बुद्ध भगवान बुद्ध, और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार कलयुग के भगवान हैं, तो कलयुग में भगवान इसी अवतार में यहाँ पर कलयुग में आएंगे, तो आप दर्शन कर लीजिए भगवान विष्णु के 10 अवतार का। खगोल क्षेत्र के अंदर यहाँ सप्त ऋषि हैं, तो ये सप्त ऋषि का दर्शन करिए। यहाँ पर अष्ट लक्ष्मी हैं, 8 लक्ष्मी का दर्शन करिए, तो जय लक्ष्मी मैया। तो अभी हम लोग चल रहे हैं काशीधाम के अंदर की तरफ, काल क्षेत्र की तरफ। ये है काल क्षेत्र, जहाँ पर आप ये चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा अमावस्या कैसे होती है, एंड आपको पूर्णिमा देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर पूरा जान सकते हैं कि कैसे कैसे चंद्रमा चलता है, और कैसे अमावस्या होती है, कैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये सारे चंद्रमा के जितने भी एक महीने के अंदर जितने भी अमावस्या आता है और जितने भी पूर्णिमा आते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जानने को मिलेगा। और यहाँ पर वास्तु पुरुष को आप देखिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, और ये हैं 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो 9 ग्रह का आप दर्शन करिए यहाँ पर। और यहाँ पर भगवान श्री राम, और ये हनुमान जी, और जय सिया राम, जय हनुमान जी। तो अभी हम लोग इधर की तरफ चल रहे हैं, और ये काल क्षेत्र है, तो यहाँ पर भगवान का महाभारत में जो भगवान ने गीता में उपदेश दिया था अर्जुन को, तो यहाँ पर वो पूरा दर्शाया गया है और बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए पूरा ये महाभारत का आपको यहाँ पर सीन भी देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ भी आप देख रहे होंगे सारे पश्चिम के भगवान, उत्तर के भगवान, और अग्नि के भगवान, पूरब के भगवान, और ईशान के भगवान के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पश्चिम के भगवान, और ये है, तो ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं काशीधाम के अंदर वैजयंती क्षेत्र में। ये वैजयंती क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमें पंचकन्या दिखी, तो आप पंचकन्या को देखिए। और ये है जितने भी ये धर्म के स्थान है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, तो उन सब के बारे में बताया गया है। तो बनारस के काशीधाम में हमें अपने हिंदू धर्म के बारे में पता लगा, सत्य सनातन धर्म के बारे में पता लगा, बहुत ही अच्छे नॉलेज हमें हुआ। वैजयंती क्षेत्र से अब हम लोग चल रहे हैं संस्कार क्षेत्र की तरफ, और यहाँ पर सारे संस्कारों को बताया गया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर जितने भी संस्कार होते हैं, तो उन सब संस्कार के बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। और अभी हम लोग चल रहे हैं, पूरा संस्कार आपको दिखाते हैं वन बाय वन।
काशी धाम में 16 संस्कार देखने के बाद यहाँ पर देखिए चार वेदों के बारे में पूरा बताया गया है, और जितने भी ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म में तो उन सारे ग्रंथों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पुराणों के बारे में बताया गया है, शास्त्र के बारे में बताया गया है, और ये वेद हैं, चार वेद हैं, तो प्रथम स्थान हमारे वेदों को दिया गया है, और उसके बाद पुराणों को दिया गया है, फिर आप देख पा रहे होंगे शास्त्रों को दिया गया है, शास्त्र के बारे में ये देखिए शिक्षा शास्त्र है, और यहाँ पर जितने भी पुराण हैं उन सारे पुराणों के बारे में आपको यहाँ पर पूरा बताया गया है, और ये दर्शन करिए ये सारे भगवान लोग का आप सारे पुराण में दर्शन हुए, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, तो बातचीत कर रहे हैं। काशी धाम के इस ब्लॉक के म्यूज़ियम को देखने के बाद अभी हम लोग आए हैं गीता क्षेत्र के तरफ, और यहाँ पर आप गौ माता का दर्शन करिए, और गौ माता के अंदर जितने भी समस्त कोटि देवी देवता रहते हैं तो उन सबके आप दर्शन करिए, और भगवान शिव जी यहाँ रहते हैं और गणेश जी यहाँ रहते हैं, तो समस्त देवी देवता आप देख पा रहे होंगे, तो जय गौ माता। तो ये है गीता क्षेत्र, और अभी हम लोग गीता क्षेत्र से चल रहे हैं गंगा क्षेत्र की तरफ, लोग अभी काशी धाम के गंगा क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर आप गंगा जी का पूरा बताया गया है, पति त्वावनी महागंगा के बारे में आप पूरा बताया गया है, तो ये है गंगा क्षेत्र जो ग्राउंड फ्लोर में ये काशी धाम के है, तो अभी हम लोग गंगा क्षेत्र से ऊपर जा रहे हैं, और काशी धाम का पूरा म्यूज़ियम घूमने के बाद अभी हम लोग काशी धाम के बाहर आ गए, और ये काशी धाम का यहाँ पर मंदिर है, ये लालेश्वर भगवान जी हैं, तो हम लोग यहाँ पर दर्शन किया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर अपने भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना, और बहुत कुछ जो हिंदू धर्म के बारे में हम लोग यहाँ पर जाना, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी भगवान हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण है, जितने भी शास्त्रों के बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। काशी धाम में हमें ये दिया गया जिसके अंदर हम काशी धाम के बारे में जान सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमें काशी धाम से क्या मिला, तो इसमें इसके अंदर आपको पूरा काशी धाम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और इसके पीछे आपको मैं दिखा दूँ ये है, तो ये है काशी धाम, और ये लालेश्वर भगवान के बारे में पूरा इसमें बताया गया है, काशी धाम के बारे में बताया गया है। अपने बनारस के काशी धाम म्यूज़ियम में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हमने यहाँ पर बहुत सी जानकारी प्राप्त की, बहुत ही अच्छा लगा, और आपको बताकर भी अपने इस ब्लॉग से बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आपको अपने इस ब्लॉग से काशी धाम म्यूज़ियम के बारे में बताया। यहाँ पर इतना अच्छा ही म्यूज़ियम को बनाया गया है, यहाँ लालेश्वर भगवान जी का ये जो मंदिर है ये 400 साल पुराना है, तो मैंने आपको यहाँ पर दर्शन कराया, आप भी एक बार फिर दर्शन कर लीजिए, और अब मैं अपने इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ, और मिलेंगे आपको एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप सभी के आशीर्वाद की कामना करता हूँ, मैं श्रीधर और महादेव की नगरी काशी से आप सभी को हर हर महादेव, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को करिए लाइक, एंड ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, और शाम का समय होने वाला है, और बहुत ही अच्छा लगा इस म्यूज़ियम में आकर, तो मैं मेंशन कर दूंगा ये ब्रह्मा घाट पर बहुत ही अच्छा ये म्यूज़ियम हमें बनारस में लगा, और बहुत ही हमने यहाँ पर भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। एक बार मैं फिर आपको सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दूँ, तो यहाँ पर दर्शन करिए, और इधर के तरफ भी 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के हैं, तो यह पूरा मंदिर बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, एक तरीके से आप इस म्यूज़ियम में आकर भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। और अब मैं अपने इस भगवान के दर्शन करने के बाद अब मैं अपने इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ, और मिलेंगे आपके दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और भगवान के लालेश्वर भगवान के आशीर्वाद के साथ हम अपने इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। आप सबको मेरे तरफ से हर हर महादेव।